सुनो सब लोग, तुम जितने छोटी जाति के लोग यहाँ रहते हो, जिनके छुरे से धर्म कर्म का नाश होता है, उन्हें सुबह तक ये चौल खाली करनी होगी। जिनकी वजह से दूसरे लोगों का धर्म खराब हो, मैं वो पाप नहीं ले सकता। सुबह तक तुम सब अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। लेकिन आप ऐसी अचानक चाल खाली करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं इस चाल का मालिक हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। लेकिन बाकी सब लोग यहाँ पर किराया देकर रह सकते हैं, तो हम भी आपको किराया दे ही रहे हैं ना। और हम में से कोई भी इतनी भी बड़ी जाति का नहीं है कि किसी को छूने और ना छूने से कुछ फर्क पड़े। समाज हम सब के साथ एक जैसा ही तो बर्ताव करता है, फिर छू अछूत के आधार पर आप हमें यहां से क्यों निकालने आए? मैं बताता हूं, क्योंकि तुम इतनी छोटी जाति के हो कि तुम्हारी छाया मात्र से लोग अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि तुमने हमारी आंख में आंख डालकर हमसे ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत की। तो तुम्हें तो तुम्हारी जगह बतानी पड़ेगी ना भीमराव। सब सुनो, कल सुबह तक तुम में से कोई यहां दिखना नहीं चाहिए। और भीमराव, जिस कमरे में तुम रहते हो वहां मैं गोदाम बनवाऊंगा कबाड़ रखने के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि तुम्हारी और कबाड़ की जगह एक ही है। देखिए जोशी जी, कॉलेज की व्यक्तिगत खींच के कारण आप इन सारे परिवारों को सड़क पर लाने के लिए क्यों आ गए? कॉलेज की लड़ाई कॉलेज में ही रहने दीजिए ना। ये भीमराव अब हम लोग कुछ चैन से रहने भी नहीं देगा। देखिए, आप इस चाल के मालिक हैं, हम इतने सालों से यहां रहते आए हैं, आपको कभी शिकायत नहीं मिली होगी। हम सब लोग किराया समय पर देते हैं और इस चाल में छूने और ना छूने की कोई बात ही नहीं। यहाँ सब जाति के लोग साथ साथ में रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये और भीम साथ में कॉलेज में ही पढ़ते हैं। अगर कॉलेज में इन दोनों का कुछ हुआ होगा तो कहीं आप इसकी बातों में आकर इसकी भतीजा है ये मेरा। अब बात जातिगत नहीं रही, व्यक्तिगत हो गई है। तुम्हारा बेटा मेरे भतीजे को अकड़ दिखाता है, तो तुम लोगों को सही औकात तो दिखानी पड़ेगी ना। चलता हूं मैं और खाली करने की तैयारी करो। जोशी जी रुकिए ना,
मेरे और आपके झगड़े के कारण सब लोग बेघर हो जाएंगे और एक गरीब के लिए घर ढूंढना सबसे बड़ा संघर्ष होता है। ऐसा मत कीजिए, सिर्फ मेरे कारण इन सब का घर मत उजाड़िए। अच्छा बोले, अब यही बात हाथ जोड़कर बोलो। तब सोचूंगा। नहीं, आप क्यों हाथ जोड़ेंगे? तुम चुप रहो। कॉलेज में झगड़ा कर सकता है तो यहाँ हाथ नहीं जोड़ सकता। किससे उलझना है पता होना चाहिए। लेकिन आई रमा, शांत रहो। लेकिन दीदी रंजन, शांत रहो, ये सबका सवाल है। चलें या बोलोगे? जोशी जी, एक गरीब के लिए घर ढूंढना सबसे बड़ा संघर्ष होता है। इन सब पर दया कीजिए। अच्छा लगा, अच्छा लगा कि तुमने मेरे सामने हाथ जोड़े। लेकिन मेरा इरादा नहीं बदला। कल सुबह तक तुम में से कोई भी यहां दिखना नहीं चाहिए। जोशी जी, भीम की गलती के लिए मैं भी आपसे माफी मांगता हूं। अगर आपको उसकी किसी भी बात का बुरा लगा है तो उसे माफ कर दीजिए। जब तक भीम का भाई आनंद जिंदा है ना, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ए, चुप। एक बात अपने दिमाग में डाल ले। भीमराव की बिरादरी का कोई भी व्यक्ति यहां मुझे नहीं दिखना चाहिए। चलिए काका। जोशी जी, इसीलिए कहते थे राम जी कि भीमराव को पढ़ाओ लिखाओ मत। ना पढ़ता तो कॉलेज नहीं जाता और ना ही जोशी जी से टकराता और ना ये कांड होता। अब बताओ हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे बताइए। कहीं नहीं जाएंगे हम, विश्वास रखिए। जेका पाँव न फटी भिवाई वो कहा जाने पीर पर आई। अरे खुद कमा के घर का एक एक चीज जोड़ना पड़ता तो समझ आता। अब सब तो
बाप भाई करके दे रहे तो कहां से समझ में आएगा? समझ आता है इन्हें, तभी तो इन्होंने आप सबके घर के सलामती के लिए माफी भी मांगी। मैं जोशी और उसके काका से एक बार बात करके आता। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, अंदर चलिए। जाने दो उसे। इतने सालों से यही सुनते आ रही हूँ कि हर मुश्किल का हल निकाल सकता है ये बचपन से, तो अब भी निकालेगा? इसके किए की सजा हम नहीं भुगतेंगे। नहीं आई, वो बड़े लोग हैं, उनके साथ तो लठेत भी थे, कहीं ये जाए और उनके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं नहीं जाने दूंगी। रमा सही कह रही है, अभी उनसे बात करना सही नहीं है। आपको अपने भाई की बड़ी चिंता है और यहाँ कल सुबह जब हम सब सड़क पे आ जाएंगे इसकी चिंता नहीं है। आई ठीक कहती है, भीम भाव की वजह से एक दिन हम सब फंसेंगे। तो क्या चाहती हो, भीम को भेज दे जानबूझ के मार खाने के लिए? चला भाई, सब लोगन चाल खाली करे का तैयारी करा। नहीं देखा, हमारा जात तो तू लोगन से बड़ा है। भाई जो जो लोग भीम के जात के हैं वो लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधे और जाए का तैयारी करे। हम तो यही रह घाट से एकदम। चला चला हवा हो चला। भीम, भीम चले गए वो लोग। वैसे भी अभी उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, कल बात करेंगे। ए भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? भीमराव, तुम्हारी वजह से हमारी दुनिया तबाह होगी तो तुम भी सुख से नहीं रह पाओगे, तुम्हें भी सजा मिलेगी। याद रखना भीमराव। चल भीम, चल घर चल। चल क्या होगा ये भगवान? बहुत मशक्कत करने के बाद ये जगह मिली थी रहने को, इसे मैं इतना आसानी से नहीं छोड़ दूंगा ना। कल आने दो जोशी जी को, आने दो। मैं कुछ ना तो कुछ ऐसा करूंगा कि यहां से हम लोग ना निकले। देखना, जान की बाजी लगा दूंगा मैं। ठीक है भैया, करो कल जो करना है, हम तो चले सोवें। उठो चलो। भीमराव, बहुत गलत किया हो तुम, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें हम। आप दोनों बाप बेटे को भीम की गलती कभी दिखाई नहीं देती है, जो भी करे सही ही करता है, चाहे वो सही करे या गलत करे। कल सिर्फ और सिर्फ उस भीम की वजह से हम सब सड़क पर आने वाले हैं। दरवाजा बंद करने से क्या होगा रमा? अंदर बाहर सब जगह से एक जैसी तो आवाजें आ रही है, सब मेरे कारण हुआ है रमा। मैं गुनहगार हूं, चाल वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, सबके लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी मैंने। ये काका जो अभी बोल के गया ना,
वो सही था। मुझसे गलती हो गई रमा। ऐसा मत कहिए। चाहे आई, चाहे हमारे पड़ोसी, चाहे इस चाल के सब लोग, आपको जो भी मानते हो, लेकिन आपकी पत्नी आपको गुनहगार नहीं मानती है। सूरज की गर्मी से तालाब का पानी सूखता है, तो उसमें क्या सूरज की गलती होती है? नहीं ना। प्रणाम मालिक। अभी तक खाली नहीं किया चौल। लगता है इन्हें धक्के मारकर ही निकालना होगा काका। अरे बाप रे। ए, सामान वामान बांधा या नहीं? क्यों कर रहे हो आप ये सब? तुम्हारा पति दुनिया भर को समझाता फिरता है, तो तुम्हें भी अवश्य समझाया होगा। समझो, जैसे कीड़ों को चुन चुन कर एक एक करके नहीं मारा जाता, एक साथ दवा छिड़क दी जाती है ताकि सब निपट जाए। उसी प्रकार एक बार दवा छिड़क दी जा रही है ताकि सब साफ हो जाए। अरे चौल में कोई है, मर गए। और कहाँ जाएंगे मालिक, हम कहाँ जाएंगे मालिक? अगर आपने हमें यहाँ से निकलने पे मजबूर किया तो ये मिट्टी का तेल खुद पे डाल के आग लगा लेंगे मालिक। मालिक, मैं भी तेल लाया हूँ, मैं भी खुद को जला लूंगा। नहीं नहीं भैया, ये सब मत कीजिए, ये सब सही नहीं है। और कुछ करने लायक छोड़े हो तुम? अरे निकाल देंगे तो बंबई के किसी और चाल में जाके रह लेंगे, लेकिन इसके लिए जान देने की क्या जरूरत है? अरे वाह, क्यों नहीं, एहसान मानो। ये चौल काका ने मिलके मजदूरों के लिए बनवाई थी, कुछ कमरे बच गए तो तुम लोगों को किराए पर दे दिए, लेकिन क्या पता था कि हमारे इस एहसान का बदला तुम लोग इतनी बदतमीजी से दोगे? जिसको जीना मर रहा है जल्दी करो और चाल खाली करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मालिक, मालिक, अब आप ही के हाथ में है हम जिए या मरे। हम पे दया कीजिए मालिक, एक भीमराव की वजह से हम सबको सजा क्यों दे रहे हैं मालिक? हाँ मालिक, कोनो एक की गलती की सजा हम सबको न दीजिए। देखिए, कल भीम और आनंद ने आपसे माफी मांग ली थी, हम भी आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग मुट्ठी भर नहीं है जोशी जी, हम लोग इतने ज्यादा है कि आप हमें गिनने से घबराते हो। कभी गिन के देखना, पता चलेगा हम उतने हैं जितने आप सारे लोगों के सर पे बाल भी नहीं होंगे। एक उपाय है जिससे तुम सब यहां रह सकते हो। वो क्या है मालिक? अगर तुम सब यहां रहना चाहते हो तो भीमराव और उसके परिवार को यहां से निकालो। ये नहीं होगा,
अब तक सब साथ में रहते आए हैं और ये जगह सब साथ में खाली करेंगे, नहीं तो यही रहेंगे। भूल गए अम्मा, मालिक के मिल में बाबा काम करते थे, वो पहले चौल में आए, उन्हीं के सिफारिश से ये सब लोग आए, अब इनके वजह से हम क्यों निकले। हाँ हाँ, भीमराव को अपने परिवार के संगे इस चाल छोड़ के चल जाना चाहिए ताकि बाकी लोग तो आराम से रह सके। बिल्कुल, ये भीमराव की गलती की सजा हम सब काहे को भुगते। क्या बात कर रहे हो, सुख दुख में हम सब साथ रहेंगे। अब मुसीबत में रामजी भाऊ के परिवार को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? देखो भाऊ, सुख दुख की बात नहीं है, भीमराव की गलती है, और भीमराव की गलती हम लोग क्यों भुगते। हाँ हाँ, सही बात है। सही कह रहे आप लोग सब। मैंने कल रात भर सोचा कि कोई रास्ता निकले, लेकिन रास्ता तो आप लोगों ने ही निकाल दिया। रमा, कल रात से आप सब एक ही बात बार बार कह रहे कि ये सब इनके पढ़ने और कॉलेज जाने का नतीजा है। पता है आप सबको कि क्यों इतना पढ़ते हैं ये? मैं उनसे पूछती हूँ तो कहते हैं मैं पढ़ता हूँ ताकि अपनी ही नहीं हम जैसे सारे छोटे जातियों की दशा सुधार सकूं। अपनी मनमानी करता रहे और कहे कि हम तो अपनी जात की दशा सुधार रहे हैं। भीमराव, कृपा करके हमारे लिए तुम कुछ भी मत करो। अरे चुप! बक 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 बक। तुम्हारी ये बहस सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। करना क्या है ये बताओ। करना क्या है मालिक? या तो भीमराव अपने परिवार के साथ अपनी मर्जी से जाए या तो हम उसे निकाल दें। ठीक है, मैं और रमा यहां से चले जाएंगे। लेकिन बाकी सबको यही रहने दीजिए। नहीं बेटा, रहेंगे तो पूरे परिवार के साथ, और अगर जाएंगे तो भी पूरे परिवार के साथ। अच्छा, और कौन देगा हमें घर? घर में आनंद की पत्नी भी है जो पेट से है। कभी तो भीम को छोड़कर किसी और के बारे में सोच लिया कीजिए। जैसा भाई, तुम भी ना मौका देते भीम को कोसने लगती हो। इस बात पर जरा सोचो। जाओ, सामान बांध दो। जाओ।
दोनों यहीं रहो। अभी जाकर शुद्धिकरण का सामान लेकर आओ, फिर हम यहाँ कबाड़ रखेंगे। इस घर को ढंग से धो दो और कुछ धूप दशांग भी जला दो। आज शाम को नया अफसर आ रहा है रहने के लिए, तो शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। कोई भी इस घर की दीवार वगैरह छुएगा नहीं, सभी इस घर से दूर दूर रहेंगे, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम लोगों की इस घर पर, समझे? जी मालिक। जी मालिक। और एक बात और, औकात, औकात कभी मत भूलना अपनी, वरना उस भीमराव जैसा हाल हो जाएगा तुम लोगों का, सड़क पर आ जाओगे, समझे? जी मालिक। जी मालिक। क्या क्या देख रहे हो? जाओ और दिमाग में ये बात बिठा कर जाओ। अभी तो बस घर से निकले हो, अभी तुम्हें कॉलेज से भी निकलवाऊंगा।